हर हर महादेव, जय शिव शंभू। आज हम बहुत ही अद्भुत उपाय आपके लिए लेकर आए हैं। अगर श्रावण मास में आप इन उपायों को करते हैं तो आपके जीवन में अचूक धन लाभ होगा, आपकी सारी परेशानियों का अंत हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, आज हम शिवा मुट्ठी की बात करेंगे। क्या है शिवा मुट्ठी, किस प्रकार से बनाएं, कब अर्पित करें महादेव जी को, क्या श्रावण मास में ये सब करना जरूरी होता है, क्या किसी भी मास में इसे कर सकते हैं या नहीं, अगर सावन मास में कर रहे हैं तो कब और कैसे चढ़ाएं शिवा मुट्ठी, शिवा मुट्ठी का उपाय किस प्रकार से फल देगा, शिवा मुट्ठी किस किस अनाजों से तैयार करें। चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं। इस सावन के पवित्र मास में अगर आप शिवा मुट्ठी महादेव जी के शिवलिंग पर अर्पित करते हैं तो कब और कैसे करें, बहुत ही छोटा सा वीडियो आपके लिए लेकर आए हैं, लेकिन ये बहुत ही उत्तम उपाय हैं। सबसे पहले बात करेंगे चावल की। जी हाँ दोस्तों, महाशिवरात्रि के दिन या फिर सावन में कभी भी अगर सोमवार पड़ रहा है तो आप एक मुट्ठी चावल महादेव जी के शिवलिंग पर अवश्य ही अर्पित करें। अर्पित करते समय आप ध्यान रखें कि वो कहीं से टूटे फूटे ना हो। अगर आप चावल अर्पित करते हैं वो भी साबुत, तो आपकी परेशानियों का अंत हो जाएगा, आपके जीवन में सुख समृद्धि का वास होगा। एक मुट्ठी गेहूं अर्पित करने से भी बहुत ज़्यादा धन लाभ होता है, परेशानियों का अंत होता है और विवाह संबंधी बाधाएं दूर होती है, सांसारिक सुख की प्राप्ति होती है। अगर आप काले तिल महादेव जी को अर्पित कर रहे हैं तो कलह कलेश समाप्त हो जाता है, शनि का दोष समाप्त हो जाता है और घर में अपार धन संपदा की वृद्धि होती है, सुख समृद्धि और वैभव आता है। अब हम बात करेंगे मूंग दाल की। जी हाँ दोस्तों, पीली मूंग दाल चढ़ाने से काम में आ रही बाधाएं दूर हो जाती है और हरी साबुत मूंग दाल अगर आप चढ़ाते हैं तो मनवांछित इच्छाओं की प्राप्ति होगी। अरहर की दाल सुख शांति और समृद्धि के लिए महादेव जी के शिवलिंग पर आप जरूर अर्पित करें। आप इन सभी दालों को या बताई हुई चीज़ों को एक एक मुट्ठी अवश्य ही अर्पित करें। इस श्रावण मास में तो पांच सोमवार पड़ रहे हैं, अगर आप पांचों को नहीं कर पा रहे हैं या आपने जो बीत चुके हैं उन सोमवार को नहीं किया है तो आप कोई भी सोमवार को या अंतिम सोमवार को एक एक मुट्ठी इन सभी वस्तुओं को महादेव जी के शिवलिंग पर अर्पित करें। और सावन में शिवरात्रि के महापर्व पर भी आप ये उपाय कर सकते हैं, आपको उतना ही फल मिलेगा जितना कि आप सोमवार के दिन करते हैं। चूक मत जाना दोस्तों, आज का ये महा उपाय आपको महाधनवान बनाएगा। आपके किसी भी कार्य में अगर कोई भी बाधा आ रही है तो वो दूर होगी। आप आखिरी सोमवार को सभी चीज़ें अर्पित कर सकते हैं या फिर महाशिवरात्रि के दिन इन चीज़ों का अभिषेक आप शिवलिंग के ऊपर अवश्य ही करना। अगर आप ये सब करने में असमर्थ हैं तो आप 108 दाने प्रत्येक चीज़ के ले लीजिए, जैसे 108 दाने मूंग दाल, 108 दाने अरहर की दाल, 108 दाने चावल के, 108 दाने तिल के, 108 दाने उड़द दाल के, 108 दाने जौ के इत्यादि लेकर के भी आप प्रत्येक सोमवार को या सावन के अंतिम सोमवार को या फिर महाशिवरात्रि के दिन शिवलिंग पर अवश्य ही अर्पित करें। इससे आपके जीवन में आ रही समस्त बाधाओं का अंत होगा। जिस भी कार्य को लेकर, कार्य सिद्धि को लेकर ये उपाय आप करना चाहते हैं वो आप महादेव जी के समक्ष बैठकर अपने मन में जरूर एक बार बोलें और ये सब चीज़ें महादेव जी को अर्पित कर देना। आपकी कामना बहुत जल्द और अवश्य ही पूर्ण होगी। आज का हमारा वीडियो यहीं तक। बोलिए हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय।